Children, in today's class we shall start with question number 3. It is find the square root of the following decimal numbers. So first part is 2.56. अब पहले निकालने से पहले मैं कुछ तुमको समझाती हूँ रफ शीट में. जैसे देखो ये 42.371 ऐसे करके अगर कोई नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालें डेसिमल नंबर्स में. अब ये जो डेसिमल नंबर है इसके दो पार्ट्स हैं. ये डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट था इसने इस नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये वाला जो पार्ट है इधर वाला इसको हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट, ठीक है. और जो ये इधर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट. कौन सा पार्ट बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट, ठीक है. अब जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है उसमें हम बार्स इधर से पुट करना शुरू करते हैं, यहाँ से दो दो के ग्रुप में. तो ये हो गया हमारा वन फर्स्ट पीरियड, ठीक है. लेकिन जो हमारा डेसिमल पार्ट होता है उसमें हम बार इधर से लगाना शुरू करते हैं दो दो के ग्रुप में, ये दो. अब ये एक बच गया. लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि डेसिमल वाले पार्ट में हम किसी भी ग्रुप में वन डिजिट नहीं हो सकता, टू डिजिट्स कंपलसरी हैं. तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक ज़ीरो लगाना पड़ता है. क्योंकि देखो अगर तुम लिखो 42.371 या तुम लिखो 42.3710 कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही हैं, ठीक है. तो इसलिए ये दो के ग्रुप में बन गया. लेकिन इंटीग्रल पार्ट में ऐसा नहीं है, उसमें दो दो के ग्रुप बनाते हैं और एक डिजिट अगर अकेला रह जाता है तो वो सिंगल डिजिट का एक ग्रुप बन जाता है. जैसे मान लो कि हमारे पास आ गया 134.3524, ठीक है. तो ये डेसिमल पार्ट है तो इसमें यहाँ से बनाएंगे वन ग्रुप सेकेंड ग्रुप, यहाँ पे दो पीरियड्स हो गए. इंटीग्रल पार्ट में हम यहाँ से बनाएंगे ये एक और ये सिंगल, एक ही डिजिट था तो ये बना दिया एक डिजिट में. लेकिन डेसिमल पार्ट में दो दो डिजिट ही एक ग्रुप में होंगे. जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे मान लो 257714 है, ठीक है. अब हम ग्रुप्स बना रहे हैं, पीरियड्स लिख रहे हैं. तो ये हमारा इंटीग्रल पार्ट है. इंटीग्रल पार्ट में फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, इस ग्रुप में दो डिजिट्स हैं मगर इस ग्रुप में वन डिजिट है. अब यहाँ से जब हमने डेसिमल पार्ट में ग्रुपिंग की तो ये तो एक ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप है तो ये अकेला नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे. इज दिस क्लियर? ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. रफ पेपर मैं हटा रही हूँ. अब यहाँ पे क्लास एट में हमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं. वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए बताया था. तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं हियर द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर इवन. दो हैं, इवन प्लेसेस हैं. सो मार्क ऑफ द पीरियड्स एंड प्रोसीड. सो मार्क द पीरियड्स एंड प्रोसीड, ठीक है. अब हम लिखते हैं इसको 2.56 डिवाइड करते हैं, ठीक है. अब नॉर्मली डिवाइड करेंगे जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हैं. पहले हम ग्रुप्स बना देते हैं इसके. यहाँ से बनाना शुरू किया ये एक ग्रुप, इधर से बनाना शुरू किया ये एक ग्रुप. अब क्या हो जाएगा, वन
वन सा वन, सब्ट्रैक्ट करो वन आया, ये डेसिमल था एज इट इज, हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अब ये वाला ग्रुप नीचे आ गया, ये वन था तो यहाँ पे प्लस वन ऐड हुआ, ये हो गया टू, ठीक है। अब यहाँ सिक्स है तो यहाँ या तो फोर फोर सा आ जाएगा सिक्सटीन या सिक्स सिक्स सा, तो हम यहाँ करके देख लेते हैं। ट्वेंटी फोर फोर सा, फोर फोर सा सिक्सटीन, कैरी वन, फोर टू सा एट एंड वन नाइन, 96 नहीं आता। फिर सिक्स से लगा के देखते हैं, 26 सिक्स सा, सिक्स सिक्स सा 36, कैरी थ्री, सिक्स टू सा ट्वेल्व एंड थ्री 15, 156। तो हम यहाँ लिखेंगे सिक्स और यहाँ भी लिखेंगे सिक्स और यहाँ लिख देंगे 156, राइट। सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर इज ज़ीरो, तो हम क्या कहेंगे, सो द स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इज इक्वल टू 1.6। इज दिस क्लियर? राइट, नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज 7.29, ठीक है। अगेन हियर द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर इवन, ये दो डेसिमल प्लेसेस इवन है, सो मार्किंग द पीरियड्स एंड सॉल्विंग वी गेट 7.29 मार्क करो, यहाँ पे ग्रुप बनाओ, यहाँ से वन ग्रुप और ये एक वन ग्रुप। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू टू ज़ा फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो थ्री थ्री ज़ा नाइन बड़ा हो गया तो हम यहाँ लिखेंगे टू टू ज़ा फोर, सब्ट्रैक्ट किया, सेवन माइनस फोर इज थ्री, ब्रिंग डाउन 29, ये डेसिमल एज इट इज़, प्लस टू किया आ गया फोर, ठीक है। अब या तो यहाँ पे सेवन सेवन ज़ा 49 नाइन है, या थ्री थ्री ज़ा, तो हम पहले करके देख लेते हैं, 43 थ्री ज़ा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व नहीं जाता, फिर सेवन सेवन ज़ा करो, 47 सेवन ज़ा, सेवन सेवन ज़ा 49, कैरी फोर, सेवन फोर ज़ा 28 एंड फोर इज 32, 329 आ गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे 47 सेवन ज़ा 329, सब्ट्रैक्ट करो, रिमाइंडर ज़ीरो, तो हम यहाँ बोलेंगे सो द स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इज इक्वल टू 2.7। इज दिस क्लियर? राइट, विद दिस आई वाइंड अप, इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल टेक द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।